बार बार संविधान की ही बात क्यों की जाती है, मनुवादियों द्वारा यही बात क्यों छेड़ी जाती है कि उन्हें खतरा संविधान से है। कैसा खतरा है भाई, हमारी स्थिति जो है वो बदल गई, हम ठीक परिस्थिति में आ गए, तो उन आपको खतरा इस बात का है कि हम आपकी बराबरी करने लगे, बराबर बैठने लगे, साफ पानी पीने लगे, साफ से रहने लगे अच्छे से, तो क्या आपको इस बात का खतरा है? लेकिन मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं संविधान की वजह से ही प्रधानमंत्री बनाऊं। तो अगर वो खुद भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो संविधानिक अधिकारों की वजह से ही प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपकी कथनी और करनी में अंतर क्यों? फिर तो आपका कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए ना। जो बात आप कह रहे हैं, आप जब कहीं बाहर जाते हैं तो आपको याद आ जाता है कि ये धरती तो बुद्ध की धरती है, और फिर जब आप यहाँ वापस आ जाते हैं देश में, तो आप फिर भूल जाते हैं कि भगवान बुद्ध कौन थे, और आप इस बात को बिल्कुल नकारना शुरू कर देते हैं। आप दूसरे भगवानों की बात करते हैं, और जमीन से जो खुदाई में कहीं पर भी महात्मा बुद्ध के जो अवशेष मिल रहे हैं, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, आप उनकी आलोचनात्मक बात करने लगते हैं। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए ना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पक्ष को एकजुट करने के लिए, SC ST OBC को एकजुट करने के लिए एक सिगुपा छोड़ा गया है कि संविधान खतरे में है, ये बीजेपी कहती है। बीजेपी कहती है, और कि जो है वो उनके खिलाफ, ऐसा कोई भी राजनीतिक पार्टी जो बहुजनों की बात नहीं सोचती। जब हम जनसंख्या गणना की बात करते हैं, तो जनसंख्या गणना की भी बात बहुजन इसीलिए करता है क्योंकि बहुजन देश का 85% है, और मनुवादी जो है वो देश का केवल 15% है। अब 15% अगर 85% के अधिकारों के ऊपर कब्जा जमा के बैठेगा, अगर 15% की जनसंख्या जहाँ कहीं भी वाइस चांसलर बनने की बात आएगी तो 15% वाले ऊपर है, जहां कहीं भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने की बात आएगी तो मनुवादी आगे है, 15% ऊपर है, और बहुजन वहां कहीं पीछे छोड़ दिए जाते हैं। तो आप इसमें बताइए ना कि हम कहां किसी शंका के जो है वो रहते हुए एकजुट हो रहे हैं। हम तो बिल्कुल ठीक स्थितियों का जायजा कर पा रहे हैं, हमारे अधिकारों पर कहीं ना कहीं कुठाराघात हो रहा है, इसीलिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है, और वो एकजुट बहुजन समाज धीरे धीरे करके हो रहा है। जातिवाद नहीं फैलेगा, बल्कि जातिवाद उससे खत्म होगा। जिनके मन में भी ऐसा अंदेशा है कि हमारी जनसंख्या कितनी है, हमारा आरक्षण कितना होना चाहिए, तो ये जो जनगणना है उनके मन में वो उन आंकड़ों को या तो पुख्ता करेगी या तो धूमिल करेगी। अगर आपकी जो आपकी गणना है, अगर आपको जितना भी आरक्षण दिया गया है आपको सामाजिक आधार पर, अगर आपकी जनगणना में आपकी संख्या ज़्यादा निकलती है, तो आप ज़्यादा आरक्षण पाने के अधिकारी हैं, तो उनको मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर वो जनगणना में कम निकलते हैं, तो ठीक है, उससे जो है वो उनको कहीं ना कहीं एक मन में एक सांत्वना आएगी कि हमें हमारा जो है वो ठीक परसेंटेज में हमें आरक्षण दिया जा रहा है। तो जातिवाद नहीं फैलेगा, बल्कि जो हमारे बीच में आपस का जो दुराभाव है ना विभिन्न जातियों के बीच में, वो खत्म हो जाएगा। बहुजन समाज को संविधान खत्म होने की आशंका है, बल्कि विश्वास है। जैसे जैसे देश के आप हालात बदलते हुए देख रहे हैं, संविधान कहीं ना कहीं खतरे में है। हमारे माननीय मुख्य जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके आर्थिक सलाहकार ने एक वक्तव्य दिया, एक आर्टिकल लिखा, जिस आर्टिकल में उन्होंने खुद इस बात की जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने उसका जिक्र किया कि अब देश का जो संविधान है वो बहुत पुराना हो चुका है, और देश के संविधान को अब आर्थिक तौर पर बदले जाने की ज़रूरत है। तो आप आर्थिक हालात में देखिए ना, आर्थिक सलाहकार हैं तो उनको आर्थिक स्थितियों की जो है वो कहीं ना कहीं उनको एनालिसिस करना चाहिए, उनको देखना चाहिए महंगाई क्यों बढ़ रही है, उनको ये देखना चाहिए कि हम इस महंगाई को कैसे कम करें, GDP को कैसे बढ़ाएं, देश के गरीबों को तक जो है वो उनके रोजी रोटी कैसे पहुँचे, इन बातों पर उनको गौर देना चाहिए। लेकिन वो अपनी स्टेटमेंट में क्या दे रहे हैं, वो अपनी स्टेटमेंट में संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। अब हमें जो लगता है कि संविधान से पूरे देश में जो बदलाव हुआ है, आप उसको जो है वो एक बार देखिए। जब 1947 में हमें आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उससे जो सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ, वो बदलाव हुआ बहुजनों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होना। आरक्षण का प्रोविज़न आया देश के अंदर, आरक्षण आने की वजह से शिक्षा में कहीं ना कहीं उनको एडमिशन में सीट मिलने लगी, बहुजनों को शिक्षा का अधिकार मिला। शिक्षा पढ़ लिखने के बाद फिर उन्हें सरकारी नौकरियों में जगह मिली, सरकारी नौकरी मिलने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया, और आर्थिक स्थिति ही कहीं ना कहीं सामाजिक स्थिति के लिए भी जिम्मेवार होती है। तो अगर आरक्षण में छेड़छाड़ की बात की जाएगी, तो बहुजनों पे उसका क्या असर पड़ेगा? बहुजन तो उसको नकारात्मक तौर पर देखेंगे ही कि जो अच्छी है, अगर आपने कहीं कोई बदलाव करना है तो आज तक भी तो संविधान में अमेंडमेंट्स होती आई हैं, जहाँ ज़रूरत थी उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधानिक अमेंडमेंट्स की गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशनल, तो इतना गाने की क्या जरूरत थी। आज की रैली में भी आप देखिए, जितना यहाँ पे हिंदू इकट्ठा था उतना ही मुसलमान भी इकट्ठा था, तो हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये खतरा जो है वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है ना, जिन्हें अपने चुनाव आने वाले चुनावों में हारने का कहीं ना कहीं उनको अंदेशा हो चुका है, उनको इस बात से खतरा है, इसलिए वो बोलते हैं कि ये जो है वो एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस होता है इस एकजुटता से। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन वो एक भी कार्यक्रम संविधान को लेकर नहीं किए हैं अभी तक देश में। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो अपने आप में ही एक संवैधानिक यात्रा है, वो प्यार फैलाने की यात्रा है, वो नफरत को ख़त्म करने की एक यात्रा है, वो लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं कांग्रेस की वो जो भावना वो ख़त्म हो गई थी, उस भावना को फिर से जगाने की एक जो है वो यात्रा है। तो वो संवैधानिक यात्रा है, वो संविधान की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो हर वो काम कर रहे हैं जो संवैधानिक तौर पर एक देश में किया जाना जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने पूरे देश में कई लोगों को गले लगाया, सिर पे बैठाया, उंगली पकड़ी, हाथ पकड़ा, लेकिन किसी भी बाबा साहब की प्रतिमा पे फूल चढ़ाने नहीं गए वो। तो क्या आप ऐसी सरकार को दिक्कत है बाबा साहब की तस्वीर से? राहुल गांधी को कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सिंबल्स हैं, हमारे सिंबल्स यानी कि अगर हम अपने भगवान की बात करें, चले जाते हैं मंदिर चले जाते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा पे क्यों जाते हैं राहुल गांधी? कोई देखिए, अगर वो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं गए और उन्होंने इस तरह का कोई दिखावा नहीं किया तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि मंदिर जाना दिखावा है, मंदिर जाना, अगर आप मंदिर जा रहे हैं, अगर आपके रास्ते में मंदिर है और आप माथा टेक रहे हैं तो इसमें कोई दिखावा नहीं है, वो दिखावा नहीं कर रहे हैं। और बल्कि अगर वो गांधी की यात्रा में कोई बाबा साहब की प्रतिमा नहीं आई थी, आई होगी, लेकिन इस बात का दिखावा करने की भी कोई जरूरत नहीं। आप देखिए ना, मैं आपको इस बात को ऐसे समझाऊंगी कि पंजाब सरकार बनी, अब पंजाब सरकार बनने के बाद क्या हुआ कि माननीय केजरीवाल जी ने हर एक ऑफिस में ऐसा जरूरी कर दिया गया कि वहां पे जो है वो आपने डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगानी है, तस्वीर लगानी है। लेकिन साथ ही उन्होंने ऐसा कानून भी पास कर दिया कि जो है वो बहुजन समाज, जितना भी आरक्षित समाज है, उनको जुडिशरी सिस्टम के अंदर कोई जगह नहीं मिलेगी। तो आप दिखावे के लिए फोटो के आगे प्रतिमाएं लगा दो और प्रतिमाओं के आगे आप नतमस्तक हो जाए, और असलियत में जब बहुजनों को उनका राइट अधिकार देने की बात आए तो आप ऐसे कानून बना दें या ऐसे नियम लागू कर दें समाज के अंदर जो बहुजनों के अधिकारों के खिलाफ हो, तो मुझे नहीं लगता कि फिर ऐसा दिखावा किए जाने की जरूरत है। बहुजनों की जो पार्टी है एसपी बीएसपी या राजद वगैरह, इनको गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, स्पेशली बीएसपी को जो एक तीसरे नंबर की पार्टी है, तो कैसे अधिकार दे पाएगी कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन है? जो जहाँ तक मेरा ज्ञान कहता है कि कांग्रेस ने कभी भी मना नहीं किया बीएसपी को कि आप गठबंधन में ना आए, बल्कि अखिलेश को भगा दिया कि सीट नहीं दी है मध्य प्रदेश में, छह का वादा किया था। देखिए, ये जो राजनीति के दाव पेच है, राजनीतिक जितने भी विश्लेषक हैं वो इन बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं कि कोई भी पार्टी, एक नेशनल पार्टी दूसरी नेशनल पार्टी के साथ अलायंस में कब आएगी, जब उनका फायदा होगा। अगर वहां पे कहीं ना कहीं अखिलेश जी को ऐसा लगा होगा कि उनका फायदा नहीं है तो उन्होंने गठबंधन नहीं किया होगा, और अगर उन्हें लगेगा कि फायदा है तो वो गठबंधन करेंगे। इसमें आम जनता को, आपको और मुझे क्या आपत्ति होनी चाहिए? हमें तो आपत्ति। यादव ने बाकायदा कह दिया कि हमसे धोखा किया गया है मध्य प्रदेश में, ये भी सारे जो है वो, ये चुनावी जो है वो, मैं इनको एक आरोप प्रत्यारोप ही मानती हूँ, इससे आम आदमी का कोई जुड़ाव नहीं है, तो मैं इस स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी जो है वो अपना वक्तव्य नहीं देना चाहूंगी। आज की रैली का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा, इससे आज की रैली के बाद क्या होगा कि जितना भी बहुजन समाज, हमारा मुसलमान समाज, जो और जाति के लोग यहाँ पे थे, तो वो इस बात को समझेंगे कि आज जिस बात की सबसे ज़्यादा समाज में आवश्यकता है, भारत में आवश्यकता है, वो है एकजुटता की। हमें कहीं ना कहीं एकजुट होने की आवश्यकता है, तभी हम मौजूदा परिस्थितियों से लड़ पाएंगे, मौजूदा सरकार को कहीं ना कहीं दता बजा पाएंगे। तो इसका बिल्कुल जो है वो एक चुनावी असर भी पड़ेगा, बहुजनों पर भी असर पड़ेगा, वो भी अपनी वोट को देख समझ के देंगे। तो ये आज के चुनाव की, ये जो आज की रैली है, ये उसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन 24 में जनवरी में मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, उद्घाटन करेंगे, लगता है ये मुद्दे रहेंगे फिर? मंदिर बनके अगर तैयार होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई विरोध नहीं है हमारा मंदिर बनने से, लेकिन जो मंदिर बनाने वाले हैं, मंदिर के उद्घाटन का प्रचार प्रसार करने वाले हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि देश में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है शिक्षा। आपको जिस तरह से मंदिर का, धर्म का प्रचार प्रसार करना है, वैसे ही उतने ही जोश के साथ, उतने ही पैसे के साथ, उतने ही बजट के साथ, उतने ही जज्बे के साथ आप शिक्षा का भी प्रचार प्रसार करें, आप बहुजनों को उनके अधिकार दें, आप बहुजनों की गिनती करवाएं ना, गिनती के मुताबिक ही तो उनका आरक्षण का जो परसेंटेज है वो निर्धारित होता है। तो समाज में कांग्रेस भी कहाँ गिनती करवा रही है, 4-5 राज्यों में उनकी सरकार है, कह रहे कि पहले वोट दीजिए, पहले प्रधानमंत्री बनाइए, वो भी जुमला दे रहे हैं मोदी की तरह।
ये बात तो देखिए सच्चाई है कि जब आपके पास राजनीतिक अधिकार ही नहीं होगा तो आप काम कैसे करेंगे। तो अगर कांग्रेस ऐसा कह रही है कि आप हमें राज्यों में करवा सकते हैं ना, बाकी राज्यों में करवा सकते हैं, वो करवाएंगे, उनका कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस ने कभी भी जनगणना का कभी भी विरोध नहीं किया और आज देश के हर नागरिक की ऐसी मांग है कि जनगणना होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि चाहे सरकार जो है वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, कि जनगणना एक आम आदमी एक आम नागरिक का एक आज की डेट में एक वॉइस है कि जनगणना होनी चाहिए और वो होनी ही चाहिए चाहे पार्टी कोई भी है। मोदी जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जो जाति है वो गरीबी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल इस बात में सच्चाई है, सबसे बड़ी गरीबी जो है वो जो हम जात में फिर वो सभी जात में है। तो सभी जात के लिए हमने तो बहुजन समाज ने तो कभी ऐसी बात नहीं की कि जो और समाज का मनुवादी समाज का जो गरीब है आप उसके लिए सरकार काम ना करे। सरकार के पास आज की डेट में पूरा डाटा है, ऐसा कोई डाटा नहीं है। हमारा हर बैंक अकाउंट, हमारा आधार नंबर, हमारे बैंक के नंबर, सरकार के पास क्या चीज़ नहीं है। सरकार चाहे तो मिनटों सेकंडों में आपकी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण कर सकती है, लेकिन जनगणना का जो है वो कोई अधिकार नहीं है। अभी तक कोई जो है वो ऐसा आंकड़ा नहीं है सरकार के पास, तो उसकी तरफ ध्यान दिया जाना जरूरी है।